नाम ओके, तो हम स्टार्ट करें आज इलास्ट कोलिजंस पे, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। यस मैम। ठीक है, तो पहले ये बताओ कोलिजंस क्या होता है। एक्सक्यूज मी मैम, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोलिजंस। हाँ जी प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पूछना ना, मेरे पास ना प्रदीप का 2005 एडिशन पड़ा हुआ है। 2005। ओके यस मैम, तो मैम मैं नई लूँ या वही यूज करूँ? एक्चुअली हो सकता है तो आप लेट बट ले लेनी चाहिए वैसे तो, आई गेस। ओके मैम। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद कोलिजन। मैम जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, वेरी नाइस, जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती है तब हम उसको कोलिजन कहते हैं। तो क्या ये हर बार इंक्लूड करता है कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है या विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी चल जाएगा? जरूरी है मैम, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। ओके, तो रहे हैं ये लोग कि एक्ट करती है जब दो बॉडीज, तब हम उसको कोलिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे इन फिजिक्स हम लोग बात बोलेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कोलिजन डज नॉट मीन फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, मे और मे नॉट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा होना ही है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो तुम कि कोलिजन भी हो रही है, हम बोलेंगे कोलिजन भी हो रही है पर दूर दूर से हो रही है, एज इन आप सबने वो रदरफोर्ड का ग्रेविटी दीपांशु आप यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ जी सॉरी मैम, सॉरी मैम, हमारे टाइमिंग निकल नहीं गए, आपने अटेंड नहीं की क्लास 12th की? नो मैम सॉरी। वेरी नाइस, लेक्चर रिकॉर्डिंग मांगो अपन से। चलिए अच्छा, तो बताइए यहाँ पे, चलो उसने तो आंसर दे दिया, वो तो 12th का था। आप यहाँ पे आओ जरा, आप लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो सबने सुना होगा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, हमारे पास रेज ऑफ लाइट आती है हमारे पास, राइट, तो आपने देखा कि वो डिफ्लेक्ट करके जा रही है और एक 1 out of 100 एक उनमें से आपके पास क्या होता है कि वो दोबारा से जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे यूटर्न ले लेता है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग इज इट क्लियर? मैम आपकी आवाज कट रही है, सुना है कभी किसी ने? मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, अब बताइए जरा, हम लोग कोलिजन में से किसने बोला कि इंटरेक्शन होनी जरूरी है, इंटरेक्शन का मतलब है कि हमारे पास कोलिजन हो रही है। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि फिजिक्स में कोलिजन हमेशा जरूरी नहीं है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, ठीक है, मे और मे नॉट बी, वहां पे फिजिकल कॉन्टेक्ट का होना नहीं होना, ठीक है। तो जैसे अब आप लोगों के पास ऐसी एग्जाम्पल पूछी मैंने आपको कि ऐसा कौन सा केस है कि जहाँ पे कोलिजन भी हो रही है पर फिजिकल कॉन्टेक्ट भी नहीं है, तो मैंने आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिया था, अल्फा स्कैटरिंग प्रिंसिपल सबने किया होगा कि रे ऑफ लाइट जाती है और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, रे ऑफ लाइट क्या अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक 1 out of 100 में से एक कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल आता है जो यूटर्न ले जाता है। तो इसके कहने का मतलब ऐसा हुआ हमारे पास कि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो है, अट्रैक्ट तो करेंगे, ठीक है, कुछ केसेस में वो साथ में आके चिपक जाते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आऊंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट दैट मींस देयर इज अ कोलिजन। व्हाई देयर इज अ कोलिजन, क्योंकि इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है, राइट, तो ऐसे हो गया। या फिर आप कोई मैग्नेट ले आओ, नॉर्थ साउथ पोल लेके आए, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से साउथ पोल ले आई तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब पर कोलिजन तो हो रही है, कोलिजन का मतलब है उसकी वजह से ये दूर जा रही है आपके पास,
क्लियर। तो इसका मतलब कि फिजिक्स की सेंस में हमें इतना तो पता चल गया कि जो कोलिजन है उसका मतलब डू नॉट मीन फिजिकल कॉन्टेक्ट, हमेशा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बॉडीज एट डिस्टेंस भी डिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कोलिजन का डिफरेंट सेंस आ गई। आज तक कोलिजन हमारे लिए ये था कि एक कोई बॉडी आई, दूसरी कोई बॉडी आई, आपस में टक्कर की उन्होंने, आपस में कोलाइड किया उन्होंने, तो वो हमारे लिए कोलिजन कंसिडर होती। नो, पर अब इस सेंस में हम डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोलिजन पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले थ्री टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स है हमारे पास। सबसे फर्स्ट, ठीक है, हम बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोई मुझे बताएगा कैसी होगी? अब मैं आपको इसी के साथ साथ पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं। अब इसी के नीचे नीचे पॉइंट्स लिखते रहना। जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, और क्या क्या कंजर्व होगा? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने बोला था ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हर बार ही कंजर्व रहेगी, चाहे वो इलास्टिक है चाहे वो इनइलास्टिक है। ठीक है, और आपके पास क्या होगा? फोर्थ, द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव। कैसी है वो? कंजर्वेटिव है आपके पास। ठीक है, अच्छा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करो दो बॉडीज है, एक बॉडी चल रही है U1 से, एक बॉडी चल रही है U2 से, ये बिफोर कोलिजन हो रहा है। इसका मास है M1, इसका मास है M2। तो बाद में क्या हुआ? कोलिजन हुई इन दोनों के बीच में, ये M1 थी ये M2 थी। तो जब ये वापस गई तो इसकी वेलोसिटी V1 आ गई और इसकी वेलोसिटी V2 आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या होता है जब हम कोलिजन करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या हुआ कि अगर इसकी U1 है तो क्या होगा, इसने इसके साथ कोलाइड किया, ये दोनों आपस में कोलाइड किए। सपोज करो ये, अगर ऐसी अज्यूम कर लेती हूँ ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे था, इसने आके इसको धक्का दिया, तो जो भी बॉडी रेस्ट पे होगी वो उसको आके धक्का दे रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, उसकी चेंज हुई मोशन। देख लेते हैं, यहाँ पे एक कैप है, ठीक है, और एक ये वाली बॉडी है और एक ये वाली बॉडी है। ठीक है, ये वाली बॉडी आती है हमारे पास, सपोज करो इनको ऐसे रखते हैं, तो ये वाली रेस्ट पे है पर ये मोशन में है, तो ये वाली मोशन वाली बॉडी आकर इसको टक्कर दे रही है, आकर इसको टक्कर दे रही है। तो देखो वो अपनी एक्चुअल पोजिशन से डिस्प्लेस हो रहा है ना, एक्चुअल पोजिशन से वो डिस्प्लेस हुआ। तो इसका मतलब कि जो हमारी कोलिजन हुई उसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ वेलोसिटी से आया था, ये रेस्ट पे थी, तो इसने अपनी वेलोसिटी से इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गई हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल्स देती हूँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। कहते हैं कि अगर हम दो टू आइवरी बॉल्स जो होगी हमारे पास इस टेकन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर दो आइवरी बॉल्स ले लेते हैं, जैसे कि दो सीमेंट की बॉल्स है, सेम मास है, सेम ही शेप है, सेम ही एवरीथिंग है, तो दो बॉल्स को जब हम टक्कर देंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर एक रेस्ट पे है तो दूसरे को वो रेस्ट पे भेज देगा, अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देगा, तो इस तरह से हमारे पास आया। और दूसरा केस ऐसे बोल सकती हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको इमेजिन करवाऊं तो इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम सम हाइट, अगर कोई बॉल कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इट रीबाउंड्स बैक टू द सेम हाइट, देन इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पीईसी लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग पूरा पूरा लिखना। अब देखना, ये देखो कोई बॉल थी, इसको किसी हाइट से मैंने रीबाउंड की, मतलब फेंका, ड्रॉप किया, तो जब ये बाद में रीबाउंड हुई तो ये सेम ही हाइट पे आए, तो ऐसा कभी क्या पॉसिबल होता है? बहुत रेयर केस है कि हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास सेम ही हाइट पे वो रीबाउंड होके आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये कैसी कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है।
ओके क्लियर हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये फोर पॉइंट्स आर मेन. क्लियर है? यस क्लियर. ओके चल आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है तो हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन्स. सेकेंड टाइप जो है दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन हम किसको बोलेंगे? इसमें काइनेटिक एनर्जी तो देखो. अब इन इलास्टिक कोलिजन में हम उसको बोलेंगे जब ऐसी कोई चीज होती है. सपोज करते हैं मैं बॉल वाली एग्जांपल सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो मैंने बॉल को रीबाउंड किया, मतलब पहले मैंने ड्रॉप किया और जब वो रीबाउंड होके आई तो वो सेम हाइट पे नहीं आई, जो कि हमारे साथ होता है एक्चुअल लाइफ में. दैट इज कॉल्ड हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन. कैसी कोलिजन है हमारे पास? इन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर? तो इन इलास्टिक कोलिजन में हम बोलते हैं देखो लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व रखनी है. कैसी भी कोलिजन हो फॉर एवर लाइफ में इज कंजर्व्ड. ठीक है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सेकंड केस में ठीक है हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. ऐसा क्यों हुआ? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं हुई? अब ऐसे कर लेते हैं दो लॉस हो गया. ओके लॉस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ साउंड लाइट हीट. दो कार्स की टक्कर हुई तो बहुत सारा साउंड आता है हमारे पास. तो दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही. दोनों कार्स चल के आ रही थी और एकदम से रेस्ट पे आ गई. तो भाई रेस्ट पे जब आ गई तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी हमारे पास, तो वो कहाँ पे लूज हुई है? तो वो इस तरह से हमारे पास एनर्जी लूज हुई है कि वो साउंड और लाइट और हीट की फॉर्म में हमारे पास हो गई, वेस्ट हो गई. ठीक है और टोटल एनर्जी जो है वो तो हमेशा ही कंजर्व रहती है. टोटल एनर्जी इज कंजर्व क्योंकि हमने क्या बोला था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर. काइनेटिक चाहे कंजर्व हुई ना हुई पर ये कन्वर्ट किस में हो गई? साउंड एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में हो गई. ठीक है ऑल्सो द फोर्सेस इन्वॉल्वड आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. अच्छा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का मतलब तो पता है ना? हु विल टेल मी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का मीनिंग? हाँ जी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, पीछे आपने पूछा क्यों नहीं, फिर कंजर्वेटिव का मतलब होता है अगर वो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल उस पर डिपेंड करे, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. फोर्सेस पे डिपेंड करता है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे ना डिपेंड करे. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसी होती है? जो रास्ते पे भी डिपेंड करेगी. जैसे फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो पूरे रास्ते पे डिपेंड करती है. रफ आया कैसा आया है ना, वो सारी क्या है हमारे पास? वो सारी क्या है हमारे पास? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्लियर? अब जैसे इन इलास्टिक की एग्जांपल आपको देती हूँ. बॉल इज ड्रॉप्ड. ठीक है एग्जांपल क्या है? बॉल इज ड्रॉप्ड एट सम हाइट. किसी हाइट से गिरी हमारे पास बॉल. ठीक है एंड डू नॉट रीबाउंड एट सेम हाइट. सेम हाइट पे वो रीबाउंड नहीं करती है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ पूछना है तो हम इसको इन इलास्टिक कह के खत्म करते हैं. चले आगे थर्ड टाइप. थर्ड है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. पीछे दिखाना. हाँ जी कौन बताएगा मुझे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? ठीक है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बोलेंगे कि इफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, अभी भी किसी को आइडिया है? स्टिक टुगेदर. क्या हुआ? एक कार इधर से आ रही थी, एक कार इधर से आ रही थी हमारे पास. ठीक है दोनों चल के आ रही थी. ये था बिफोर कोलिजन. ठीक है आफ्टर कोलिजन क्या
क्या हुआ, दोनों कार्स आपस में कोलाइड कर गई, तो आफ्टर कोलिजन ये इस तरह से रह गई, स्टिक टुगेदर हो गई, ठीक है, साथ में ही चिपक गई। तो हमारे पास ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कैसी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, स्टिक टूगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी। स्टिक टूगेदर भी कर लेते हैं साथ में एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी भी कर लेते हैं, मूव एज अ सिंगल बॉडी। और अगर चलेगी तो अब ये पूरा सिस्टम इकट्ठा चलेगा, अलग अलग नहीं, तोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है ना। जैसे अब ये थे दो, ठीक है, चलो ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, ऐसे ज्यूम करते हैं एट ए टाइम में एक ही मूव करवा सकते। स्टिक टूगेदर, स्टिक टूगेदर हो गए। अब ये चल रहे हैं तो ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं कहीं पे, ठीक है, ये इधर था, दोनों कोलाइड किए और फिर अब जब मूव कर रहे हैं तो ये इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं दोनों, क्लियर। तो इसका मतलब ऐसी जो कोलिजन होगी वो होगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और टोटल एनर्जी फिर से हमारे पास क्या होगी, इज कंजर्व्ड, वो तो हमेशा ही कंजर्व रहेगी, ठीक है। अच्छा तो आगे चले नेक्स्ट, चले यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा तो अब ना हमारे पास कोलिजन आएंगी वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की। तो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूँ कि हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो हम उसको यूज करके फिर मैं आपको कम्प्लीटली पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे वन डायमेंशन होती है और कैसे टू डायमेंशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए, यहाँ पे दीजिए कोफिशिएंट ऑफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सबके साथ, इन पॉइंट्स के साथ, इन चार पॉइंट्स के साथ आपको एक और पॉइंट भी ऐड करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं अब हम, होता क्या एक्चुअल प्रैक्टिस, जब हम डेली लाइफ में कोलिजन्स को रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब क्या देखा गया, द कोलिजन बिटवीन डिफरेंट रियल बॉडीज इज नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर इन इलास्टिक। मतलब ना तो वो सब परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही वो सब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, ठीक है। चले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आई होप नोट डाउन कर लिया आप सबने, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं इनवर्टेड कॉमास में, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन इज मेजर्ड is measured, ठीक है, in terms of degree of electricity, elasticity of collision is measured in terms of a physical quantity is called coefficient of restitution. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है कि ये एक्सप्लेन करता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, छोटा ई से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताता है, कितनी डिग्री तक कोई भी क्वांटिटी है जो हमारे पास उसने कोलिजन की है, इलास्टिक की हो चाहे इनइलास्टिक की हो, कितनी डिग्री तक, मतलब कितने हद तक वो टक्कर खा के साइड पे बैठ चुकी है, क्या उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में लिखते हैं, ये होता क्या है बेसिकली, E इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही, सेपरेशन ऐसे लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच, पास आने की टू दी जितना दूर जाने की रेशो इज इक्वल टू, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेती हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और इसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अच्छा देखो, आफ्टर कोलिजन हमेशा जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी, मतलब जो सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। और u1 माइनस u2 ये ही रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखिए हेयर u1 u2 आर इनिशियल वेलोसिटीज, दो बॉडीज है, टक्कर तो हमेशा दो बॉडीज में ही होगी, एंड v1 v2 आर फाइनल वेलोसिटीज। अब चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। चले चलो, हम लोगों के पास है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसी के नीचे आप लिखिए सबसे पहले फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास ई की वैल्यू कितनी होगी। पहले मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब हमारे पास यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू माइनस वी वन, इसका मतलब ई किसके बराबर इज इक्वल टू वन। हाउ कम ई इज इक्वल टू वन, क्योंकि ई का फॉर्मूला ये है ना, तो अगर ई वन हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते, ठीक है। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई हमारे पास वन होगा। तो अब जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर किसी का वन है तो आप क्या बोलोगे, ये परफेक्टली इलास्टिक है। सेकेंड, इफ फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली इनइलास्टिक है मतलब कि वो दोनों स्टिक टुगेदर हो जाती है ना, चिपक जाती है। तो v2 टू माइनस वी वन बाय u1 माइनस u2 यही फॉर्मूला था, तो ये क्या हो जाता है, जीरो, ये कंप्लीटली जीरो। सो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, बॉडीज स्टिक टुगेदर कर जाती है ना, तो स्टिक टुगेदर करने के बाद v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर आ जाता है, तो इसीलिए उसका e कितना होगा, जीरो होता है, ठीक है। और थर्ड, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास जो होगी e lies between जीरो एंड वन, तो ई की जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में लाई करती है। तो ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास कोलिजन होती है उनकी वैल्यूज आइदर जीरो, आइदर वन, आइदर जीरो एंड वन के बीच में। इज इट क्लियर? यस मैम। यहाँ पे किसी ने भी बोला था ना कि पुरानी बुक क्या है उनके लिए, वैसे डाटा तो सारा आई गेस वही चलेगा, सेम होगा, पर जैसे कुछ नई एडिशन आती हैं तो 2005 तो बहुत पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से, मतलब 2013 में तो मैंने की। हाँ जी मैम, प्रदीप के अलावा भी ले सकते हैं। हाँ कोई भी ले लो, दैट इज अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है। मैं बस बोलूंगी कि मॉडर्न अवॉइड करना, बाकी आप कोई भी बुक लो। ओके, इट्स बिकॉज़ ऑफ लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट होती है उसकी लैंग्वेज।
नहीं, इट इज़ वेरी इजी और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज होती है. तो जब आपको क्या होता है कि आपको 11th में हैबिट डलवा दी, सपोज करते हैं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम ही मैं आपको क्या लर्न करवाऊँ? देखो, या तो ऐसे होता है ना आप लोगों के पास, आइदर यू जस्ट लर्न कैट बैट रैट, ठीक है, और या फिर आप कैट बैट के साथ सारे वोवल्स लर्न करो. तो प्रदीप से इज ऑल अबाउट कि वो सारे वोवल्स और सारी टाइप्स कवर करती है, और जो आपके पास मॉडर्न है वो एक ही टाइप को 10 बार करवाती रहती है, और उसकी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी. तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे सपोज करो मैंने अभी आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, मैंने तो एक सिमेट्री में ऑर्डर में लिखा. अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या लिख के आएंगे, फॉर परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल टू 1, फॉर इन इलास्टिक इज इक्वल टू 0, एंड इन इलास्टिक ये 3. तो 50% तो डाटा आप खुद से रिमूव कर देते हो अपनी तरफ से, है ना. जब आप राइट डाउन करते हो तो आप सारा कुछ तो ग्रेस्प नहीं करते हो, आप कुछ कुछ ना कुछ तो डिलीट करते ही हो हमेशा. तो मॉडर्न में ऑलरेडी डिलीटेड करके लिखा होता है और आप उसको फिर से डिलीट करते हो, तो आपके पास 25 ही बच जाता है. तो फिर इस तरह से कोशिश करो कि अगर आप इजी लैंग्वेज को अवॉइड करके थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज, थोड़ा सा फिजिक्स की सेंस वाली लैंग्वेज को यूज करोगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि आगे 12th बोर्ड्स आपके किसी और स्कूल में चेक होने के लिए जाते हैं, कहीं और चेक होने के लिए जाते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल है. कल को आप किसी इंटरव्यू में भी बैठते हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स. अब आप इजी लैंग्वेज लर्न करोगे तो आपके लिए ही नुकसान है, ठीक है. तो करे वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. कई लोग इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं, वन एंड द सेम थिंग. ओके, वन डायमेंशन में हो रही है तो वन डायमेंशन में हो रही है तो लेट्स मेक फिगर्स. हमारे पास दिस इज M1, ये दिस इज M2 हमारे पास, ठीक है. इसकी वेलोसिटी है U1, इसकी वेलोसिटी है U2, स्मॉल m, ठीक है. ओके, तो वन डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन में जा रहा है. एक ही डायमेंशन का मतलब है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, टक्कर खाने के बाद भी वो एक ही रास्ते पे चलता रहे, ठीक है. एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो चल ही रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग. तो ये आपके पास थोड़ा सा दूरी पे बनाना, ठीक है. तो ये है आपके पास इस तरह से, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है. थोड़े से डिस्टेंस पे बनाना तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है, इस तरह से. ओके, एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, इसीलिए हमारे पास ये क्या है, वन डायमेंशन है. बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है. तो हम सीधा बोलते हैं कंसीडर टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सबसे पहले तो हमारे पास ये दो थी ना, सेम डायरेक्शन on a straight line, तो U1, U2 initial velocities of bodies of masses m1 and m2, ठीक है. Let after collision V1, V2 final velocities of bodies, ठीक है. तो दो इक्वेशन बनानी होती है. देखो, इलास्टिक कोलिजन करने का पर्पस क्या है हमारे पास, हमें फाइनल वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन निकालने हैं, V1, V2 कितना आया. तो माई अप्रोच विल बी टूवर्ड्स फाइंडिंग V1 एंड V2. ओके, तो V1 एंड V2 फाइंड आउट करेंगे दो इक्वेशन के साथ. तो फर्स्ट इक्वेशन वी नो, क्या पता है हमें, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एक ही लाइन के अलोंग है इसलिए लीनियर मोमेंटम है हमारे पास. तो M1 U1 + M2 U2 विल बी इक्वल टू M1 V1 + M2 V2. ये इसकी है, ये वाली इसकी है, ये वाली टर्म की है, एंड दिस विल बी लास्ट वाली की, ठीक है. इस तरह से हमारे पास ये आ गया. अब ऐसे करती हूँ, मैं इन सबको क्लब कर लेती हूँ जो M1 वाले हैं, इसको इधर ले आती हूँ. तो M1 U1 माइनस M1 V1 माइनस M2 U2. M1 कॉमन निकाल लेती हूँ, M1 U1 माइनस V1. बॉयज क्लियर है,
सिंपल मैथ्स चल रहा है, सिंपल मैथ्स। हाँ जी बॉयज, इज दैट क्लियर? यस मैम। एक बस आर्यन को समझ आ रहा है। अनुभव, पता चल रहा है आपको? ठीक है, हम इक्वेशंस बनाते हैं। इसको नंबर वन इक्वेशन मार्क कर दो, ठीक है? इसको नंबर वन इक्वेशन मार्क कर दिया, ठीक है? क्लियर रखना आप। अब आ जाओ, वी नो, हमें पता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वड रहती है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, इसको यहाँ पे बंद, डन कर दिया। फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो हम बोलेंगे उसके लिए हमारे पास, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्वड, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वड रहती है। तो हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का, ठीक है? पूरे में से हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इट विल बी एम वन यू वन का स्क्वायर। आप लोगों को इजी करने के लिए मैं दो कलर से लिखती हूँ, इसको इधर ले आई, तो इट विल बी एम वन वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू का स्क्वायर इधर ही रहा, ये वाला इधर आया, तो इसीलिए माइनस ऑफ एम टू यू टू का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे कॉमन निकालते हैं एम वन, तो ये क्या आ गया, यू वन का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू कॉमन निकाला तो वी टू का स्क्वायर माइनस यू टू का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू विद वन, वन पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टू को विद वन के साथ, तो एम वन इंटू यू वन का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है? डिवाइडेड बाय एम वन इंटू यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर माइनस यू टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखती हूँ, यू वन माइनस वी वन और यू वन प्लस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस वी वन कैंसिल इज इक्वल टू वी टू माइनस यू टू इंटू वी टू प्लस यू टू इंटू वी टू माइनस यू टू से ये कैंसिल, तो यू वन प्लस वी वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो उसको मैंने ओपन कर दिया इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वी टू वाले इकट्ठे कर दूंगी और उनको अलग कर दूंगी, ठीक है? तो वी वाले एक तरफ और दूसरे वाले एक तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, उसको इधर ले और इसको उधर ले गई, फिर ऑल्टर कर दी। यहाँ तक आ गई सबकी इक्वेशन? इसको सॉल्व कर दो, क्लियर है ये सबकी? ओके चलो आगे चलते हैं। E इज इक्वल टू, वी नो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू वन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E कितना होता है हमारे पास, वन, क्लियर? सो देयरफॉर वी टू माइनस वी वन बाय यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वन, है ना? तो हमारे पास उसकी इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना आ जाएगा, ये यूनिटी आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये वन आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो गई। हमने ये बात प्रूव कर दी कि जो भी हमने सॉल्व की थी ये परफेक्टली इलास्टिक आ गई। अब मेरा पर्पस क्या था, कैलकुलेट करना, क्या, टू फाइंड वेलोसिटीज, इसी के साथ ही है, टू फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज, ठीक है? तो लिखिए नंबर वन, टू फाइंड वी वन, वी वन फाइंड आउट करने के लिए वी एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करूंगी, वी टू को,
तो v2 यहाँ से कितना आ गया, सारा उधर ले जाओ, v2 is equals to u1 minus u2 plus v2. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो अगर आप देखो जरा, वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे, दिस इक्वेशन, ये जो मैंने नीचे लिखी है दिस इक्वेशन, यहाँ पे v2 की जगह पे ये नीचे वाली इक्वेशन, या फिर मैं आपको पीछे फिर से दिखा देती हूँ, आप लोगों की नोटबुक्स में भी होगी दिस इक्वेशन, इसमें v2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो और सॉल्व करो. ठीक है, तो लिखिए यूजिंग वन, आप लोग लिखते जाओ. ठीक है, फिर आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कैसे आएगा इसका आंसर. ठीक है, तो लिखिए यूजिंग वन वी गेट, यूजिंग वन, ठीक है, वी गेट एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू वी वन प्लस यू वन माइनस यू टू माइनस ऑफ आई गेस यू टू. ठीक है, इसी के साथ ही यू टू ही था शायद. ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगी, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, एम टू वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस ऑफ टू एम टू यू टू. ठीक है, ऐसे बन गया आपके पास, क्लियर है. अब मुझे v1 कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैं इनको क्लब कर देती हूँ, v1 वालों को एक तरफ कर लेती हूँ और इसको एक तरफ कर लेती हूँ. तो मेरे पास क्या आया, m2 minus m1 to v1 is equals to m1 minus m2 into u1. ठीक है, इसको उधर लेगी ना, m1 minus m2 u1, इसको उधर लेगी, ये वाला इधर ले आई और ये वाला सारा डाटा उधर ले गई, ये भी उधर ले गई, तो प्लस टू एम टू यू टू. ठीक है, तो v1 कितना आ गया हमारे पास, m1 minus m2 into u1 plus टू एम टू यू टू डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आना था शायद, मैंने इसको गड़बड़ कर दिया है ना, प्लस आना था, ये प्लस आना था, प्लस m1 प्लस m2 लिख लो तो सिमेट्री सी मेंटेन रहेगी हमारे पास, क्लियर. ओके, तो चलो आगे लिखती हूँ मैं इसको और थोड़ा अच्छे से. तो v1 विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना आना था, m1 माइनस m2 इनटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये आ गया आपका एक फॉर्मूला, बॉक्स कर लो इसको बहुत अच्छे से, बॉक्स है. ठीक है, अब आते हैं टू फाइंड v2, v एलिमिनेट v1, v1 को एलिमिनेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करने के लिए क्यों ना मैं सीधी डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर दूं, मेरे पास क्या था, v2 is equals to u1 minus u2 प्लस वी वन, तो वी वन की जगह पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूंगी. वी वन की जगह पे जैसे ही मैंने ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो मेरे पास मैं डायरेक्टली फाइनल रिलेशन लिख रही हूँ, बाकी सिंपल मैथ्स है आप लोगों का. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. लो, इसका भी आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया. ठीक है, उसको एलिमिनेट करना था तो उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट की और आपके पास आंसर आ गया, क्लियर. अब स्पेशल केस करते हैं, अब इसमें स्पेशल केस करते हैं. देखिए स्पेशल केस, व्हेन बोथ हैव सेम मास, दोनों के पास सेम मास है, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m से, इन दोनों का सेम मास है, तो मैंने ये रख दिया कि इन दोनों का सेम मास है, तो दोनों एक्सप्रेशंस आप सबने लिख लिए. चलो फटाफट से मुझे आंसर बताओ फिर, चलो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं, और आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बताइए क्या आंसर्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर्स. दीज आर द एक्सप्रेशंस आपके सामने है, ये एक्सप्रेशंस पढ़े हैं आपके सामने. ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या होने चाहिए इसकी वैल्यूज. मासेस सेम है तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो बाय समथिंग जीरो, तो सिर्फ इधर ही बचा टू एम और ये एम वन प्लस एम, तो ये कितना हो गया, दोनों के सेम मास है, तो वी वन इज इक्वल टू जीरो प्लस टू एम
यू टू डिवाइडेड बाई टू एम, तो टू एम से टू एम कैंसिल, तो वी वन किसके बराबर, यू टू के बराबर. V2 में सब्सिट्यूट करके देख लेते हैं सेम मास, तो V2 में 2m by U1 by 2m plus 0, तो ये इससे कैंसिल, तो V2 किसके बराबर, U1 के बराबर. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कौन एक्सप्लेन करेगा, कि जब बॉडीज के मासेस सेम होते हैं, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, तब क्या होता है, दे इंटरचेंज. देखो इंटरचेंज कर ली उसने वेलोसिटी v1 की, u1 v1 ने u2 को दे दी और v2 वाली ने u1 वाली ले ली, इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो वो कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेते हैं. ठीक है, सेकंड पे आइए, व्हेन टारगेट जिस पे हिट करना है इज एट रेस्ट, दैट मींस यू टू इज जीरो, यू टू इज जीरो, तो वी वन कितना हो गया, यहाँ पे आते हैं, यू टू इज जीरो, सेम मास के लिए कंडीशन चल रही है, सेम मास के लिए कंडीशन चल रही है, यू टू जीरो, यू टू जीरो एंड एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम से. ठीक है, तो हमारे पास जो वी वन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो. वी वन कितना हो गया हमारे पास, जीरो. क्लियर. अच्छा, तो V2 कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट करते हैं, U2 जीरो कर रही हूँ ना, तो U2 जीरो कर रही हूँ ना मैं इसको, तो ये मासेस तो है हमारे पास 2m by 2m, तो V2 किसके बराबर, V2 फिर से U1 के बराबर, तो V2 U1 के बराबर. क्लियर, पता चल गया कि कैसे आपने इंटरचेंज करके स्पेशल केसेस करने, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आएगा आपको कि एक की वेलोसिटी इतनी है, दूसरा रेस्ट पे है, तो आपने बस फाइनल फॉर्मूलास V1 V2 के लर्न कर लेने और वहां से आपने सॉल्व करना. क्लियर है यहाँ तक? यस. ठीक है, चलो एक है ना, किसी और को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बता दो मेरे को. ठीक है, तो आओ जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं साथ के साथ ही. अब बॉडी केजी, ठीक है, कोई बॉडी है उसका मास है 2 केजी हमारे पास, ठीक है, मेक्स बॉडी ऑफ मास 2 केजी मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, and continues to move and continues to move in the original direction with a speed equal to 1/3 of its original speed. Find the mass of the second body. अच्छा, entrance में भी देखो इतने lengthy questions होते हैं ना इसके, और answers इतने easy होते हैं अगर if you are aware with the formulas. तो वो formulas आपको learn होने चाहिए, v1 and u1 v2 की values आपको पता होनी चाहिए. किसी को कोई problem है अभी तक इलास्टिक कोलिजन, किसी को मुश्किल लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज दे मैं आस्क अगेन. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पता नहीं चला. हमारे सिलेबस में सिर्फ डेरिवेशन ही इसकी है और किसी की है ही नहीं. पलक सॉल्व हुआ, हाँ जी आंचल यादव,
कल आप लोगों का टेस्ट भी है, प्रिपेयर्ड है टेस्ट? यस मैम। सबने कर लिया प्रिपेयर? यस मैम। वेरी गुड। मैम एक चीज पूछनी थी। पूछो मैम। वो भी आएंगे डेफिनेशंस वगैरह मैम, जो टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना बाकी सबको, अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आते होंगे। मैम वो तो मैम उसकी डेफिनेशन वगैरह भी याद करनी है। नहीं ऐसे लर्न नहीं करनी, पर आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके मैम। इजी है, इतना हाई लेवल भी नहीं डाला है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम टेस्ट है तो रिलैक्स रहो, पर बेसिक्स बहुत अच्छे से करके जाना ठीक है। मैम उसी के टाइप का? हाँ जी एमसीक्यू टाइप सा? नहीं एमसीक्यू नहीं है, मतलब मेरे वाला जितना भी पोर्शन होगा वो रिटन हुआ करेगा, इतना याद रखना। आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू रिटन वाला। तुम टेस्ट देना कैसे है? 2:30 तक का टाइमिंग रखा उन्होंने सबमिट करने का। ओ तुमने खुद से करना है? पता नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। हम कह रहे हैं मैसेज आया था कि 2:30 तक का टाइम। 12:30 शुरू होगा। ओके 2 आवर्स के अंदर। अच्छा मतलब कैमरास ऑन नहीं है आप लोगों से? हाँ ये सब पूछ रहा हूँ। अच्छा वो ऑन नहीं होगा? मे बी दे आर गोइंग टू सेंड यू लिंक। मैम वो कह रहे ऐप पे वो होगा। मैम असाइनमेंट पे आ जाएगी वो कह रहे हैं। ओके ठीक है तो ठीक है फिर यार, ये तो फिर आपकी ऑनेस्टी है, फिर तो अब आप लोगों के हाथ में है। कुणाल फिर तो टेस्ट कंप्लीट होने वाला है फुल। नहीं नहीं ये जो खुशी आई है ना तेरी, कोई बात नहीं। मैम मैं यही पूछ रहा था। कोई बात नहीं अभी ऐसे ही कर लो, बट प्लीज ऑनेस्टली करना ठीक है, आप लोगों का ही फायदा है अगर ऐसे होता है तो। फिर तो अंश भी खुश हो गया, अनुभव तो बहुत ही ज्यादा। हर्ष गुप्ता तो फर्स्ट ही आने वाला है, फिर तो इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू है ना। कोई बात नहीं, फिर कभी लाइव टेस्ट दिया जाएगा फिर पता चलेगा जिसके फुल आए होंगे, अगर उसका 0 आया ना। हाँ जी बताओ यहाँ पे किस किन का हुआ? इश्मीत, हाँ जी अलीना आप बताइए कैसे सॉल्व किया। देखो किसी का भी नहीं सॉल्व हुआ। M1 इज गिवन टू यू दैट इज 2 kg ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आपके पास है इलास्टिक कोलिजन करती है विद दी अनदर बॉडी, अनदर बॉडी इज एट रेस्ट मतलब U2 इज इक्वल टू 0 ठीक है। और बोला कि कंटिन्यूस टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं विद स्पीड इक्वल टू कोलिजन तो हो गई, फिर से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, पहली वाली जो बॉडी है उसने चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे कि जो फाइनल आई वो क्या आई U1 के 1/3 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ठीक है। तो M2 फाइंड आउट करो। ओके हम फाइंड आउट कर देते, हमें पता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इन 1 dimension तो उसके लिए हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ V1? V1 तो 0 ही रहेगी है। V1 0 कैसे रही? मैंने लिखा तो है V1 हाँ जी M1 - M2 into U1 by on M1 plus M2 plus 2 M2 U2 by M1 plus M2। भाई ध्यान से सुनो, जिसने भी बोला V1 0 रहेगी वो कैसे रहेगी? उसने तो बोला कि बॉडी टक्कर खाने के बाद then continues to move in the original direction with the speed of 1/3 of its original,
दूसरी वाली तो रेस्ट पे है ना, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, V2 का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। उसने ये बोला कि U1 जिस स्पीड से आ रही थी उसी की V1 आएगी, तो जीरो कैसे कर दिया आपने ना? U1 कितना होगा? तो U1 तो नहीं गिवन आपको, इट इज नॉट गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखो इसी में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। V1 को मैंने क्या बोला? U1/3। M1 को मैंने कितना बोला है? 2 माइनस M2 इंटू 2 प्लस M2 इंटू U1 प्लस, ये जीरो है ना, ये जीरो है तो ये पूरी टर्म फिनिश होगी प्लस वाली, प्लस जीरो ये तो फिनिश होगी। U1 से U1 कैंसिल हो गया। क्या आपको जरूरत है फाइंड आउट करने की? एक इक्वेशन, एक अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई, फटाफट से आंसर्स। 2 प्लस M2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 M2, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, M2 प्लस 3 M2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 सॉरी, तो इट इज 4, इट इज 4 M2, तो इट इज M2 इज इक्वल टू 1 kg। क्या मुश्किल है ये? एक बार ना आप सब क्या करना, जितना भी आज इलास्टिक कोलिजन हुआ है ना उसको एकदम आराम से कल के टेस्ट देने के बाद जरूर कमिंग टू मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों को ये एक बार प्लीज जरूर रीड करना। Only then you will be aware about what is going on, what is M1, what is M2, U1, U2, what are these terms. Since you are not familiar with these things, that is why you need to give a read. Okay? Clear हुआ आप सबको यहाँ पे, कैसे आया आपके पास? Is it clear? Yes. ये पता चला कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे सीरत पूछ रही थी कि U1 कैसे आया, तो अभी आपने एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि U1 नहीं गिवन तो अब मैं क्या करूं, ऐसे क्या करूं। तो आपको देखो एक की दूसरे की टर्म में सब्स्टिट्यूशन दे रखी है, तो आपको ये देखना है ये कितने कैंसिल हो सकते हैं। एक ही पूछा है तो फाइनल में एक ही इक्वेशन बननी चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसकी इन इलास्टिक कोलिजन। इस वाले लेक्चर में बताओ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी डाउट इलास्टिक में? फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं और टू डायमेंशन करते हैं, देन वी आर डन विद दिस यूनिट, फिर हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? V2 का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, तो हम क्यों सोचे उसमें? V2 की कोई बात ही नहीं की तो फिर हम क्यों उसको सोचे? है ना, सारा कुछ V1, हमें फालतू का डाटा लेना ही नहीं है। देखो एक अननोन क्वांटिटी पूछा है ना, मतलब एक ही चीज पूछी है तो एक ही अननोन निकालनी है, दूसरी को सोचना भी नहीं है आपने। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि वहां पे उन्होंने बोला सारा डाटा दे दो हमें, है ना, तो ऐसे तो कुछ रूल नहीं है हमारे पास। क्लियर? यस मैम। ठीक, ओके, ठीक है फिर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आज के लेक्चर में? क्लियर है ना? तो ये दो वैल्यूज पक्का से लर्न कर लेना, V1 एंड V2 कहीं पे लिख लो और परमानेंटली लर्न हो जानी चाहिए। देखो एक दूसरे जैसे ही है, मतलब सिमेट्रिक ही तो है ये, ठीक है, तो इनको याद रखना। एक वाले के साथ U1 के साथ आता है, एक वाले के साथ 2 आता है, दूसरे वाले के साथ U2 के साथ 2 आता है, और इसके साथ M2 - M1 आता है। ओके, तो ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स एंड इट हियर। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.